बुद्ध वंदना। विश्वदीप भगवान बुद्ध का अखिल मानव समाज के उत्थान के लिए दिया गया ये अमर संदेश है। ज्ञान के जिस मार्ग पर चलकर मानव समाज जंगली संस्कृति से उठकर समग्र विकास के मार्ग पर आ पहुंचा है, जिस भगवान बुद्ध के मार्ग को विश्व के कई देशों ने, कई जाति संप्रदायों ने, कई रंग रूप के लोगों ने अपनाकर अपना समग्र विकास किया है, और आज करोड़ों करोड़ों लोग इस विश्व मंडल के चारों ओर से, दसों दिशाओं से बुद्ध मंत्र का पाठ और जप स्मरण करते रहते हैं। आपके शरीर के चारों ओर बहने वाली ये पवित्र हवाओं की लहरें तीनों प्रहर दिशा दिशाओं से सारे विश्व भर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, इस मंत्र की पवित्र पावन मंगल ध्वनि फैला रही है। आइए हम भी उस पवित्र पावन बुद्ध मंत्र के महान प्रवाह में विलीन होकर धम्म धातु के पावन कण कण में प्रवाहित होकर इस धरती की अपनी जीवन यात्रा सफल करें। पाली भाषा जो 5000 वर्ष पूर्व समस्त भारत की एकमेव लोक भाषा रही है, उसी जन कल्याणकारी मंगल पाली भाषा में करुणा सागर भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के जिन परित्राण मंत्र को, बुद्ध वंदना को पाली सूत्रों में करुणा मैत्री और हार्दिक आशीर्वाद के स्वरों में गाया है, उसे ही बौद्ध भिक्खु संघ ने युगों युगों से संभाल रखा है। आपके जीवन उत्थान के लिए उसे ही जन कल्याण भाव से कह रहे हैं जग प्रसिद्ध पूज्य भदंत राहुल बोधी विपस्सनाचार्य, जो भिक्खु संघ के जगत विख्यात भिक्खु हैं। त्रिशरण और पंचशील को केवल अंधश्रद्धा से कहिए नहीं, आइए उसे प्रज्ञापूर्वक समझें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन अरहत भगवान तथागत सम्यक सम्बुद्ध को मेरा प्रणाम है। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं उच्चतम ज्ञान के रास्ते चलने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। मैं दुख मुक्ति और परम सुख प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूं। संघं शरणं गच्छामि। मैं भिक्खु संघ में विद्यमान
नाना प्रकार के ज्ञान और गुणों के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। मैं दूसरी और तीसरी बार बोधि ज्ञान, दुख मुक्ति और संघ गुणों के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। पानाति पाता वीरमणी सिक्खापदं समादियामि। मैं किसी भी जीव सत्व की हिंसा या हत्या न करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अदिन्नादाना वीरमणी सिक्खापदं समादियामि। मैं दूसरों की किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामे सुमिच्छाचारा वीरमणी सिक्खापदं समादियामि। किसी काम तृष्णा से वशीभूत होकर मैं अनैतिक व्यभिचार नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वीरमणी सिक्खापदं समादियामि। जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, मिथ्या वचन नहीं बोलूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सुरा मेरय मज्जपमादठाना वीरमणी सिक्खापदं समादियामि। मैं किसी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य या नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। साधु साधु साधु। इन पांचों प्रतिज्ञाओं का मैं हमेशा भली भांति पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा। ये पांचों प्रतिज्ञाएं यानी पंचशील, ये किसी जाति वर्ग या संप्रदाय की नहीं है। अपना कल्याण चाहने वाले हरेक इंसान के लिए ये ज्ञान का महासागर है। इसे सूझबूझ से अमल में लाएं। बुद्ध वंदना। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सदम सारथि सत्था देव मनुसानं
बुद्धो भगवाती बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धाय तीता च ये च बुद्धानागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जयमंगलं उत्तमंगेन वन्देहं पादपंसुवरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं यं किञ्चिरतनं लोके विज्जति विविधा पुथु रतनं बुद्धसमं नत्थि तस्मासोत्थि भवन्तु ते यो सन्निसीनो वरबोधिमूले मारं ससेनं महति विजेत्वा संबोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकुत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं धम्म वंदना स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदीठिको अकालिको ये हि पश्चिको ओपनेयुको पच्चत्तं वेदितव्यो विनुहीति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्माय तीता च ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जयमंगलं उत्तमंगेन वन्देहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं ममं यं किञ्चिरतनं लोके विज्जति विविधा पुथु रतनं धम्मसमं नत्थि तस्मासोत्थि भवन्तु मे अष्टाङ्गिको अर्यपथो जनानं मुखप्रवेशा उजको वमग्गो धम्मो अयं संति करो पनीतो नियानिको तं प्रणमामि धम्मं संघ वंदना
सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अठ पुरिसपुग्गलो ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करनीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेतं लोकसाति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि एच संघायतीता च एच संघा अनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वंदामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जयमंगलं उत्तमंगेन वंदेहं संघं च त्रिविधुत्तमं संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तं ममं यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधा पुथु रतनं संघसमं नत्थि तस्मासोत्थि भवन्तु मे संघो विशुद्धो वरदक्षिणेयो संतिन्द्रियो सब्बमलप्पहीनो गुणे हि नेके हि समिद्धिपतो अनासवो तं पनमामि संघं चैत्य वंदन वंदामि चेति यं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा बोधि वृक्ष वंदन यस्स मूले निसिन्नो सब्बारि विजयं अकार पत्तो सब्बयुतं सत्था वंदे तं बोधिपादपं इमे हेते महाबोधिं लोकनाथे न पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते पुष्प पूजा वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुप्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं
प्रदीप पूजा। घनसार पदीतेन दीपेन तमधंसिना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं। सुगंधि पूजा। सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिनाहं गंधेन पूजयामि तथागतं। धूप पूजा। गंध संभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजये पूजनेयंतं पूजा भाजन मुत्तमं। बुद्धं धम्मं च संघ सुगत तनुभवा धातवो धातु गभ्भे लंकाय जम्बुदीपे तिदस पुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्य बिम्बे सकल दस दिशे केसलोमादि धातु वंदे सब्बेपि बुद्धं दस बल तनुजं बोधि चेतियं नमामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या संघं पूजेमि। अद्धायिमाय पटिपत्या जाति जरा मरणं परिमुञ्चिष्यामि। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिबानपत्या। देवो वस्सतु कालेन सस्सम्पत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। इमाय बुद्ध पूजाय कताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा। इमाय धम्म पूजाय कताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा। इमाय संघ पूजाय कताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा। रत्नत्रय वंदना। नमामि बुद्धं गुणसागरंतं सत्था सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंच। नमामि धम्मं सुगतेन देशितं
सत्था सदा हुंतु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंच नमामि संघं मुनिराजसावकं सत्था सदा हुंतु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंच साधु साधु साधु। परित्राण के समय कहा जाने वाला सूत्र आवाहन सूत्र। विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं सब दुख विनाशाय भवे निब्बान संतिके भन्ते अनुग्रहं कत्वा परितवृथ मंगलं समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता परितस्सवनकालो अयं भदन्ता परितस्सवनकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये संता संतचित्ता तिसरण शरणा यत्थ लोकंतरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगन गहना व्यावटा सब कालं एते आयन्तु देवा वरकन कमये मेरुराजे वसंतो संतो संतो सहेतुं मुनिवर वचनं सोतु मग्गं समग्गा सब्बे सुचक्कवालेषु यक्खा देवाच ब्रह्मनो यं अम्हेहि कतं पुण्यं सब्बसंपत्ति साधकं सब्बे तं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता पमादरहिता हुंतु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य उद्धि भवतु सर्वदा शासनमपि च लोकञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्धिं हुन्तु सुखी सब्बे परिवारे हि अत्तनो अनिगा सुमना हुन्तु सह सब्बे हि याति भी राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा
खानुकतो वा कंटकतो वा नखततो वा जनपद रोगतो वा असद्धम्मतो वा असंदिट्ठितो वा अस्सपुरीसतो वा चंडहत्थि अस्समिगगोन कुक्कुर अहिविच्छिका मनीसपदीपी अच्छतरच्छ सुकर महिष यक्ष रक्ष सादिहि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षं गन्हन्तु एतेन सच्च वज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वज्जेन सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सच्च वज्जेन सब्बे भया विनश्यतु एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलं। शादी ब्याह के समय विशेष रूप से कही जाने वाली जय मंगल अठ गाथाएं। जय मंगल अठ गाथा। बाहु सहसमभिनिमित सावुधंतं गिरी मेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरतिं घोरं पनालवकमाखमतद्धयखं खन्ति सुदन्त विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरिं गजवरं अतिमत्तभूतं दावग्चक्कमसनी वसुदारुणन्तं मे तम्बुसेक विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उक्षित खग्ग मतिहत सुदारुणन्तं धावन्ति यो जनपथं गुलिमालवन्तं इद्धिभिसंखतमनो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कत्वान कठमुदरं इव गभिनीया चिंचाय दुर्ठ वचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतुं वादाभिरोपि तमनं अत्यन्धभूतं पञ्यापदीपजलितो जितवा मुनिन्दो
तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजगं विबुध महिद्धिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दुग्गाह दिट्ठि भुजगेन सुदट्ठ हत्थं ब्रह्मं विशुद्धि जुतिमिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हित्वानने कविविधानि चुपद्दवानि मोक्षं सुखं अधिगमेय नरो सपन्या। साधु साधु साधु। हर एक मंगलमय अवसर पर कहा जाने वाला महामंगल सूत्र। महामंगल सूत्र। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्स आरामे अथ खो अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवल कप्पं जेतवनं ओभास्यत्वा येन भगवातेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमंतं अठासी एकमंतं ठिताखो सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासी। बहुदेवा मनुस्सा च मंगलानि अचिन्तयुं आकंखमाना सोत्थानं ब्रूहिमंगलमुत्तमं असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं येतं मंगलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता अत्त सम्मापनीधि च एतं मंगलमुत्तमं बाहुसचंच सिपंच वीनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा येतं मंगलमुत्तमं माता पितुपठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं दानंच धम्मचर्याच यातकानंच संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमं आरती विरती पापा
मज्जपानाच संयमो अपमादोच धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमं। गारवोच निवातोच संतुष्टी च कतंयुता कालेन धम्मसवनं एतं मंगलमुत्तमं। खन्ति च सोवचस्सता समनानं च दस्सनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। तपोच ब्रह्मचर्यंच अरिये सच्चान दस्सनं निब्बान सच्चिकिरियाच एतं मंगलमुत्तमं। फुट्ठस्स लोकधम्मेहि चित्तं यस्सन कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। एतादिशानि कत्वान सबत्थम पराजिता सबत्थ सोत्थिं गच्छन्ति तं ते संमंगलमुत्तमं। एतेन सच्च वज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जयमंगलं। करणीय मित्त सुत्तं करणीयमत्थ कुशलेन यन्तं संतं पदं अभिसमेच्च सक्कोवुजो च सुजो च सुवचो च समुदु अनतिमानि संतोष को च सुभरो च अपकिच्चो च सल्लहुक उत्ति संतिन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगिद्धो न च कुद्दं समाचरे किंचि एन विञो परे उपवदेयु सुखिनो वा खेमिनो हुन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। एकेचि पानभूतत्थि तसा वाथा वरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मज्झिमा रसका अनुकथूला दिट्ठा वा एव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा संभवेसी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। न परो परं निकुब्बेथ नाति मय्येत कथचिनं कञ्चे व्यारो सनापटिग संया नायमय्यस्स दुःखमिच्छय्य माता यथा नियं पुत्तं आयुषाये कपुत्तमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमानं। मित्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमानं। उद्धं अधो च तिरियं च असंबाधं अवेरं असपत्तं। तिष्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्स विगतमिद्धो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु। दिट्ठिंच अनुपगम्म शीलवादस्सनेन संपन्नो कामेषु विनय्यगेधं। नहि जातु गब्बसेयं पुनरेतीति
एतेन सच्च वज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा, एतेन सच्च वज्जेन सर्वरोगो विनश्यतु, एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलं। साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।